हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज सरस्वती सिंह। यूनिक स्कूल में आप सबका स्वागत है। आज हम ग्रेड वन का चैप्टर एट, ठीक है, चैप्टर एट की जो है उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिया है चित्रों के नाम लिखिए, उसका एक्सरसाइज है। तो क्वेश्चन नंबर वन, ये पिक्चर जो है ना, इनके हमको नाम लिखना है। तो सबसे पहले ये हेल्प बॉक्स भी दिया है यहाँ पे, यज्ञ ब्रिज ज्ञानी छात्र, ओके। तो ये क्या लग रहा है आपको, ये क्या लग रहा है? ज्ञानी, क्योंकि ये देखो इसकी मस्तक पे टीका है और ये कुछ सुना रहा है, ठीक है, ओके। तो हम इनको क्या लिखेंगे, ज्ञानी। यहाँ पे सेकंड पिक्चर, ये क्या है, छात्र, ठीक। तो हमने जब ज्ञानी लिख दिया तो उसको कट कर देंगे, ये छात्र को कट करके स्टूडेंट मतलब कि छात्र, ठीक है, ओके। ये क्या है, पेड़। तो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में तो पेड़ है ही नहीं, तो क्या आएगा, ब्रिज। अदर नेम भी हमको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये क्या है, यज्ञ हो रहा है ना, एक ऋषि है वो जो अग्निकुंड जल रही है और उसमें आग जल रहा है, तो वो यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर आ जा रहा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नन्हे कुत्ते का क्या नाम था, आपको मैंने पढ़ाया था कि नन्हे कुत्ते का क्या नाम था, आप बताओ, सोच लिया आपने। मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे दिया है कि नन्हे कुत्ते का नाम डब्बू था। क्या नाम था, डब्बू, ओके। संयुक्ता व्यंजन, क्योंकि मैंने संयुक्ता व्यंजन की एक्सरसाइज आपको पढ़ा दिया, चैप्टर एट उसी में है। आधा बो है ना, इसको संयुक्त व्यंजन करते, मतलब एक साथ मिलकर कई बने हों। दिया है कि चुन्नी ने क्या चुराया, चुन्नी ने क्या चुराया, क्या चुराया था, लड्डू, ओके। अब दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पीपल का ये पिक्चर है और गिर गया, तो इसको इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे भी हेल्प बॉक्स दिया है, चम्मच मच्छर पत्ता बच्चा, तो क्या आएगा, किससे रिलेटेड है ये, पत्ता से ना, तो पत्ता, ओके, ठीक है। अब ये पे बच्चा लग रहा है ना, लड़का, तो लड़का है नहीं हेल्प बॉक्स में, तो क्या है ये, बच्चा, तो बच्चा देख रहा है। यहाँ पे है स्पून, स्पून को हिंदी में क्या बोलते हैं, चम्मच। गंदगी में पिक्चर डैश पनपते हैं, क्या पनपते हैं, मच्छर, इसलिए हमको घर की सफाई रखनी चाहिए, तो ज़्यादा मच्छर नहीं आएंगे, ओके। ये आपकी चैप्टर एट और ग्रेड वन की, ये चैप्टर एट की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।